सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूलों में 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में एनसीसी अब विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। एनसीसी विषय को पाठ्यक्रम शामिल किए जाने पर आज गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंप के प्रिंसिपल उषा नागी एवं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर गोपाल सिंह एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पहुंचे। उन्होंने हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल का एनसीसी विषय हरियाणा के मॉडल संस्कृत स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने पर आभार व्यक्त किया। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर गोपाल सिंह ने बताया कि पिछले 1.5 साल से एनसीसी विषय को सीबीएसई के अंतर्गत जो संस्कृत मॉडल स्कूल है उनमें पाठ्यक्रम में जोड़े जाने के प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने इसके लिए बहुत सहयोग किया और उन्हीं के प्रयासों से अब एनसीसी विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। एनसीसी विषय को पाठ्यक्रम में शामिल होने से विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस विषय में 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। इसमें इस प्रकार का सिलेबस बनाया गया है कि जिससे कि भविष्य में आर्मी में जाने में विद्यार्थियों को बहुत मदद मिलेगी। जिस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ी खेलों में बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको परीक्षा में दिक्कत आती है, वे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस विषय को पाठ्यक्रम में जोड़े जाने से बहुत लाभ होगा। प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने इस दिशा में निर्णय लेकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। इस विषय को पाठ्यक्रम में जोड़े जाने से विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना का संचार होगा। सर, सीबीएसई के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर एनसीसी एज ए सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करवाया है मंत्री जी ने, और इसके लिए हम पूरी टीम और एनसीसी का पूरे हरियाणा कैबिनेट मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है जो आज सब्जेक्ट एनसीसी मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर आया है, 70 मार्क्स का इसका जो है थ्योरी का और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन, और ये सिलेबस ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जिस सिलेबस से बच्चों आर्मी में भर्ती होने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और अब हमारे हरियाणा के बच्चे जिस तरह से खेलों वगैरह में अच्छे हैं और कहीं ना कहीं उनको पेपर में थोड़ी दिक्कत आती थी, वो दिक्कत भी अब नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री जी का इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये था लेकिन हमारे हरियाणा के MIS के ऊपर शो नहीं होता था और CBSE का सब्जेक्ट था, जब से मॉडल तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट अभी इस साल से सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट है।